हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग क्वेश्चन संख्या 1 से लेके 6 तक का हल हम आपको बताएंगे। तो एक्सरसाइज जो है आपका 3.3 में आपको पढ़ना है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी कोटि एम गुना एन है। अब आपको मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करना हो तो हम क्या काम करेंगे कि मैट्रिक्स ए के पंक्तियों और स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो जब हम पंक्तियों और स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो हम एक नया मैट्रिक्स मिलेगा और उस नए मैट्रिक्स को कहेंगे मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसा कि हमने परिभाषा लिख रखा है, यदि ए एम गुना एन कोटि का आव्यूह है तो ए की पंक्तियों मतलब रो तथा स्तंभ कॉलम का परस्पर इंटरचेंज करने पर जो नया आव्यूह प्राप्त होता है, मैट्रिक्स प्राप्त होता है, उसे आव्यूह ए का परिवर्त मतलब ट्रांसपोज कहते हैं। इसे ए के पावर टी से या ए डैश से सूचित करते हैं। दूसरे शब्द में मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम गुना एन, तो मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होगा इनके ऑर्डर बदल जाएंगे मतलब एन गुना एम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। और तो देखिए क्वेश्चन 1 में कहता है कि निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन 1 है का 1, ये आप क्वेश्चन 1 में आपको एक मैट्रिक्स दे रहा था। मान लीजिए, मान लेंगे कि माना कि मैट्रिक्स ए कि अब भी अब आपको दे रखे हैं 5, 1/2 और -1। अब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना है तो हम क्या काम करेंगे, जैसा कि परिभाषा हमको बता हमने आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करना हो तो पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो देखिए मैट्रिक्स ए में रो की संख्या 3 है, पहला रो, दूसरा रो और ये तीसरा रो। तो हम क्या काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि हम क्या काम करेंगे कि पहला कॉलम में रखेंगे। तो ये 5 जो है पहला रो का अवयव है, इसको पहला कॉलम में रखेंगे। ध्यान से देखिए ये आपका दूसरा रो है, इसको दूसरा कॉलम में रखेंगे और तीसरा रो को तीसरा कॉलम में हम रख देंगे। तो ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर दिए। अब क्वेश्चन 1/2 में एक मैट्रिक्स दे रखा है, मान लीजिए माना कि मैट्रिक्स बी हैं और इनके अवयव हैं 1, -1, 2 और 3। अब मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ज्ञात करना है तो देखिए ध्यान से देखिएगा हम क्या काम करेंगे,
ये आपका पहला रो हो गया और ये आपका दूसरा रो। तो हम क्या काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पहला रो को पहला कॉलम में रखेंगे। फिर से देखिए, पहला रो को पहला कॉलम में रखेंगे, ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा माइनस वन। दूसरा रो को दूसरा कॉलम में रख देंगे, दो थ्री। ध्यान से देखिए, तो ये हमारा मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चंस वन का थ्री में एक मैट्रिक्स दे रखा है। मान लीजिए कि आपका ये मैट्रिक्स सी है, तो मान लीजिए, माना कि सी बराबर इसके अवयव है माइनस वन फाइव सिक्स रूट थ्री फाइव सिक्स दो थ्री माइनस वन। ध्यान से देखिए, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज याद करना है। तो सी डैश बहुत बारीकी से देखिए, ये आपका पहला रो है, ये आपका दूसरा रो है और ये आपका तीसरा रो है। तो हम क्या काम करेंगे कि पहला रो को, ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका पहला रो है तो पहला रो को पहला कॉलम में हम रखेंगे। ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा माइनस वन फाइव सिक्स। दूसरा रो को दूसरा कॉलम में रखेंगे, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में। तो ये मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज हो गया। आप चाहिएगा तो पहला रो को, सॉरी, पहला कॉलम को आप पहला रो में भी रख सकते हैं, दूसरा कॉलम को दूसरा रो में, तीसरा कॉलम को तीसरा रो में। तो आपके मैट्रिक्स सी के ट्रांसपोज निकल जाएंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग क्वेश्चन दो करेंगे। क्वेश्चन टू में क्या कहता है कि ध्यान से देखिए कि एक मैट्रिक्स ए दे रखा है तथा दूसरा मैट्रिक्स बी दे रखा है। तो आपको सत्यापित करना है वन में कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो चलिए, ए क्वेश्चन वन में मैट्रिक्स ए दे रखा है जिनके अवयव हैं माइनस वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन माइनस टू वन और वन। मैट्रिक्स बी भी आपको दे रखा है, इनकी अवयव है माइनस फोर वन माइनस फाइव वन टू जीरो वन थ्री वन। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए क्योंकि आवश्यकता पड़ेगा। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, तो फिर हम आपको समझा देते हैं। ध्यान से देखिए, ये आपका पहला रो है तो रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे या कॉलम को रो में चेंज कर, ये बात एक ही है। तो ये जो पहला रो है इसको पहला कॉलम में रखिए, तो माइनस वन
टू थ्री। आप दूसरा लो को दूसरा कॉलम में रखिए, फाइव सेवन नाइन। तीसरा रो को तीसरा कॉलम में रखिए, माइनस टू वन वन। इसी प्रकार मैट्रिक्स बी का भी ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ठीक है। तो पहला रो को पहला कॉलम में, तो माइनस फोर वन माइनस फाइव। दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, वन टू जीरो। तीसरा रो को तीसरा कॉलम में, वन थ्री वन। अब देखिए, पहला में आपको मैट्रिक्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो पहले हम लोग मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी निकाल लेंगे। लिखेंगे आप मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। ध्यान से देखिए, तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट ये हैं, माइनस वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन, माइनस टू वन और वन। प्लस मैट्रिक्स बी ये आपके हैं, माइनस फोर वन माइनस फाइव वन टू जीरो वन थ्री वन। अब इसको हम जोड़ लेंगे, यहां से देखिए, तो संगत एलिमेंट को जोड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, माइनस वन को माइनस फोर के साथ ऐड करेंगे तो माइनस फाइव, टू को वन के साथ ऐड करेंगे तो थ्री, थ्री को माइनस फाइव के साथ ऐड करेंगे माइनस टू, फाइव को वन के साथ ऐड करेंगे तो सिक्स, सेवन को टू के साथ ऐड करेंगे तो नाइन, नाइन को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो नाइन, माइनस टू को वन के साथ ऐड करेंगे तो माइनस वन, वन को थ्री के साथ ऐड करेंगे तो प्लस फोर, वन को वन के साथ ऐड करेंगे तो टू। अब हम मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी है इसका ट्रांसपोज, चलिए हम आपको लिख के बता देते हैं। माइनस फाइव थ्री माइनस टू सिक्स नाइन, नाइन माइनस वन फोर टू। अब इसका आपको ट्रांसपोज ज्ञात करना है, तो हम क्या काम करेंगे कि पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में चेंज करेंगे। तो यहां से पहला रो को पहला कॉलम में रखेंगे तो माइनस फाइव थ्री माइनस टू, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में तो सिक्स नाइन नाइन, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में माइनस वन फोर टू। हमने एलएचएस निकाला। अब हम लोग आरएचएस को निकालेंगे, तो अब हमारा आरएचएस होगा, तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज प्लस प्लस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, माइनस वन फाइव माइनस टू टू सेवन वन, थ्री नाइन वन, प्लस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज भैया है माइनस चार वन वन, वन टू थ्री माइनस फाइव जीरो। चलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं,
देखिए ऐड करते हैं। तो ध्यान से देखिए माइनस वन और माइनस फोर, माइनस फाइव, फाइव को वन के साथ ऐड करेंगे तो सिक्स, माइनस टू को वन के साथ ऐड करेंगे तो माइनस वन, दो को वन के साथ ऐड करेंगे तो थ्री, सात को दो के साथ ऐड करेंगे तो नाइन, वन को थ्री के साथ ऐड करेंगे तो फोर, थ्री को माइनस फाइव के साथ ऐड करेंगे माइनस टू, नाइन को जीरो के साथ ऐड करेंगे नाइन, वन को वन के साथ ऐड करेंगे टू। अब देखिए मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ये निकला और ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज आप दोनों को मिला के देखिए तो आपका एल एच एस बराबर आर एच एस है, लिखेंगे इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, ये आपका सत्यापित हो गया मतलब प्रूव हो गया। तो आप तेजी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग क्वेश्चन टू का टू करेंगे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन टू में आपको मैट्रिक्स ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो पहले हम लोग ए माइनस बी निकालते हैं तो ए आपका है माइनस वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन, माइनस टू वन और वन प्लस। अब इस माइनस को मैट्रिक्स बी के सभी एलिमेंट से गुणा कर देंगे तो देखिए यहां ध्यान दीजिएगा कि माइनस है तो हमने प्लस लिखा, माइनस को मैट्रिक्स बी के प्रत्येक अवयव को माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस वाला फोर प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस वन हो जाएगा और ये हो जाएगा फाइव, ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये जीरो, ये माइनस वन, ये माइनस थ्री और ये माइनस वन। ध्यान से देखिए अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए क्योंकि ए माइनस बी तो हमने क्या काम किया कि माइनस से मैट्रिक्स बी के सभी एलिमेंट को गुणा कर दिया। ध्यान से देखिए अब हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ध्यान से देखिए कि माइनस वन को फोर के साथ ऐड करेंगे तो प्लस थ्री होगा, टू को माइनस वन के साथ ऐड करेंगे तो प्लस वन होगा, थ्री को फाइव के साथ ऐड करेंगे तो एट होगा, फाइव को माइनस वन के साथ ऐड करेंगे तो फोर होगा, सात को माइनस टू के साथ ऐड करेंगे तो फाइव होगा, नौ को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो नाइन होगा, माइनस टू को माइनस वन के साथ ऐड करेंगे तो माइनस थ्री होगा, वन को माइनस थ्री के साथ ऐड करेंगे तो माइनस टू होगा और वन को माइनस वन के साथ ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब हम लोग अब एल एच एस निकालेंगे, ध्यान से देखिए तो अब हम निकालेंगे मैट्रिक्स ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो चलिए ए माइनस बी निकला है इसका ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो ए माइनस बी चलिए निकाल लेते हैं, पहले ए माइनस बी निकाल देते हैं उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो थ्री वन एट फोर फाइव नाइन, माइनस थ्री, माइनस टू और जीरो। अब इसका ट्रांसपोज क्योंकि ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए माइनस बी था तो इसका ट्रांसपोज कर दिया, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों आपको कुछ करना नहीं है,
ये आपका पहला रो है, ये आपका पहला रो है, इसको पहला कॉलम में रख दीजिए। तो 3 1 8, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, 4 5 9, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में, तो -3 -2 और 0। अब हम लोग ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो RHS ध्यान से देखो, तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, इसको देखिए, तो ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ही आप निकाल चुके हैं, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, और माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ये हम प्लस लिख देते हैं, और माइनस से मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज के प्रत्येक अवयव को हम माइनस से गुणा कर देंगे। तो देखिए बी ट्रांसपोज लिया आपका, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -1, ये भी -1, ये -1 -2 -3, ये -5, +5 हो जाएगा 0 और -1। देखिए ध्यान से, क्योंकि ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ये माइनस जो था हम माइनस से बी के ट्रांसपोज के प्रत्येक एलिमेंट को गुणा कर दिया। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए, माइनस को 4 के साथ ऐड करेंगे तो +3, 5 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो +4, -2 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो -3, 2 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो +1, 7 को -2 के साथ ऐड करेंगे तो +5, 1 को -3 के साथ ऐड करेंगे तो -2, 3 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो 1, 9 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 9, और 1 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो 0। अब देखिए ये आपका LHS है और ये RHS है, तो देखिए 3 4 -3 3 4 -3, 1 5 -2 8 9 0, तो LHS बराबर क्या है लिख देंगे, इसलिए कहेंगे कि LHS बराबर RHS। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग क्वेश्चन 3 करेंगे, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है, यदि ए का ट्रांसपोज दे रखा है और बी दे रखा है, तो सत्यापित करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए का ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन 3, ए का ट्रांसपोज दे रखा है 3 4 -1 2 0 1, और मैट्रिक्स बी दे रखा है -1 2 1 1 2 3, ध्यान से देखिए। अब हमको सत्यापित क्या करना है कि मैट्रिक्स ए
प्लस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो पहले आपको मैट्रिक्स ए ज्ञात करना होगा क्योंकि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज दे रखा है। तो आव्यूहों के परिवर्तक के परिवर्त के गुणधर्म हम आपको बताते हैं। ध्यान से देखिएगा कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज जो होता है ये होता है। तो अब हम ए ज्ञात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि ए बराबर होगा मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज तो देखिए अब आपको कुछ करना नहीं है बच्चों, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज दे रखा है, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है तो फिर रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में और तीसरा रो को तीसरा कॉलम में। इसी प्रकार अब हम मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज भी ज्ञात कर रहे हैं। तो पहला रो को पहला कॉलम में रखेंगे और दूसरा रो को दूसरा कॉलम में। अब हम लोग निकालेंगे मैट्रिक्स ए प्लस बी। अब ए मैट्रिक्स ए प्लस बी, तो मैट्रिक्स ए आप निकाल चुके हैं 3-1-0-4-2-1। प्लस मैट्रिक्स बी दे रखा है 1-2-1-1-2-3। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। ध्यान से देखिए तो 3 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो +2, -1 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो +1, 0 को ऐड करेंगे 1 के साथ तो 1, 4 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 5, 2 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 4, 1 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 4। अब LHS देखें, LHS में आपको निकालना है मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। तो सिर्फ देखिए अब ये मैट्रिक्स ए प्लस बी है, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। चलिए लिख ही देते हैं 2-1-1-5-4-4 इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम 2-1-1, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। LHS निकाल लिया। अब हम लोग ये क्वेश्चन 3-1 कर रहे हैं। अब मैट्रिक्स RHS में ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज निकालिए। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज दे रखा है 3-4-1-2-0-1 प्लस बी मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज हम निकाल के रखा है 1-1-1-2-2-1। ऐड करते हैं तो 3 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो +2, 4 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 5, -1 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो +1, 2 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 4, 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 1, 1 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 4। तो देखिए आपका LHS बराबर RHS, ठीक है। LHS बराबर RHS, तो यह आपका क्वेश्चन संख्या 3-1 हुआ है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग क्वेश्चन 3-2 करेंगे।
क्वेश्चंस 3 का 2। ध्यान से देखिए, मैं आपको सत्यापित करना है a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो पहले तो हम लोग a माइनस बी निकालेंगे। तो मैट्रिक्स ए हमने निकाल के रखा है 3 -1 0 4 2 1 आप प्लस। अब ये जो माइनस है मैट्रिक्स बी के प्रत्येक अवयव को माइनस से गुणा कर देंगे। तो देखिए, तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब हम संगत एलिमेंट को जोड़ देंगे। तो देखिए, 3 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 4, -1 को -2 के साथ ऐड करेंगे तो -3, 0 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो -1, 4 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो 3, 2 को -2 के साथ ऐड करेंगे तो 0, 1 को -3 के साथ ऐड करेंगे तो -1। अब हम लोग LHS लेंगे, LHS निकालो। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो a माइनस बी आपका ये है 4 -3 -1 3 0 -2। अब इसका ट्रांसपोज, तो पहला रो को पहला कॉलम में चेंज कर देंगे 4 -3 -1। दूसरा रो को दूसरा कॉलम में 3 0 -1। अब RHS निकालेंगे। तो RHS क्या है, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज आपको दे रखा है 3 4 -1 2 0 1। अब इस माइनस को b के ट्रांसपोज के से प्रत्येक अवयव को गुणा कर दें। तो देखिए, तो जब गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -2 -2 -1 और -3। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो 3 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 4 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो +3, -1 को -2 के साथ ऐड करेंगे तो -3, 2 को -2 के साथ ऐड करेंगे तो 0, 0 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो -1, 1 को -3 के साथ ऐड करेंगे तो -1। तो ध्यान से देखिए, आपका LHS बराबर RHS है। हम लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। तो ये आपका हमें 3 का क्वेश्चन संख्या 3 का 2 भी हम आपको बता चुके हैं, बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन 4 करेंगे। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज दे रखा है, तो चलिए दिया है दिखा देते हैं। ए ट्रांसपोज दे रखा है -2 3 1 2। यहां से देखिए, बी आपको दे रखा है
जीरो क्वेश्चंस फोर कर रहे हैं, माइनस वन जीरो वन टू। ध्यान से देखिए, अब आपको क्या ज्ञात करना है, ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज। तो क्वेश्चंस ये आपका फोर है, क्वेश्चंस फोर, तो क्वेश्चंस फोर बिल्कुल। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम मैट्रिक्स ए ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि गुणधर्म है ट्रांसपोज का, प्रॉपर्टीज जो है, हम मैट्रिक्स ए ज्ञात करना है। तो मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ज्ञात करना होगा। तो देखिए, ए का ट्रांसपोज दे रखा है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में कर देंगे। अब हम लोग पहले टू बी भी ज्ञात कर लेते हैं। अब दो गुना मैट्रिक्स भी ज्ञात कर लेंगे। तो टू मैट्रिक्स बी माइनस वन जीरो वन टू, टू से प्रत्येक अव्यव को गुणा कर देते, तो माइनस टू जीरो टू और ये फोर। अब हम लोग मैट्रिक्स ए प्लस टू बी हम ज्ञात कर लेंगे। तो मैट्रिक्स ए हम ज्ञात करके रखा, और दो गुना मैट्रिक्स भी हम ज्ञात करके रखे हैं, माइनस टू जीरो टू फोर ऐड कर लेते हैं। तो माइनस टू को माइनस टू के साथ ऐड करेंगे तो माइनस फोर, तो वन को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो वन, तीन को दो के साथ ऐड करेंगे तो फाइव, टू को फोर के साथ ऐड करेंगे तो सिक्स। अब हम लोग अब ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो आपका ए प्लस टू बी क्या है, माइनस फोर वन फाइव सिक्स। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो पहला रो को पहला कॉलम में कर दीजिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, ये आपका आंसर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्वेश्चन फाइव करेंगे। अब क्वेश्चन फाइव है, ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि मैट्रिक्स ए गुना मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज बराबर होगा मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज गुना मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन फाइव में क्वेश्चन आपके दो हैं, ये आपका वन है और ये क्वेश्चन टू है। तो एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो फाइव का वन के लिए मैट्रिक्स ए दे रखा है, वन माइनस फोर और थ्री, और बी भी दे रखा है माइनस वन टू वन। ठीक है, ध्यान से देखिए, और प्रत्येक केस में मैट्रिक्स ए गुना मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। तो पहले हम लोग मैट्रिक्स ए गुना बी निकाल लेते हैं, ए बी
वन माइनस फोर थ्री, देन बी माइनस वन टू वन। देखिए गुना करते हैं तो रो को कॉलम के साथ गुना करेंगे, पहला रो पहला कॉलम तो माइनस वन। ध्यान से देखिए, पहला रो दूसरा कॉलम दो, पहला रो तीसरा कॉलम वन। अब दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, पहले सॉरी दूसरे रो में लिखेंगे, दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो माइनस चार गुना माइनस वन तो प्लस चार, इसको दूसरा रो में लिखेंगे। माइनस चार को टू से गुना करेंगे तो माइनस एक होगा, माइनस चार को वन से गुना करेंगे तो माइनस चार होगा। अब तीसरा रो को पहला कॉलम से, तो तीन को माइनस वन से गुना करेंगे तो माइनस थ्री, तीन को टू से गुना करेंगे तो सिक्स, तीन को एक से गुना करेंगे तो थ्री। अब आप एलएचएस निकालेंगे तो मैट्रिक्स ए गुना बी का ट्रांसपोज, तो ए गुना बी तो निकाला हमने माइनस वन टू वन फोर माइनस एट माइनस फोर माइनस थ्री सिक्स थ्री। अब इसका ट्रांसपोज, तो पहला रो को पहला कॉलम में चेंज करना है, माइनस वन टू, ये आपका दूसरा रो को दूसरा कॉलम में फोर माइनस एट माइनस, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में माइनस थ्री सिक्स थ्री। ध्यान से देखिए, ओके अब हम लोग B का ट्रांसपोज गुना A का ट्रांसपोज, तो अब हमको आप A का ट्रांसपोज निकालिए, तो A का ट्रांसपोज क्या होगा, पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में। यहां से देखिए, अब हम बी ट्रांसपोज निकालते हैं, तो बी क्या है, तो पहला रो है तो पहला कॉलम में चला जाएगा माइनस वन टू, ठीक है। अब हम आरएचएस निकालते हैं, तो आरएचएस क्या है, बी का ट्रांसपोज गुना ए का ट्रांसपोज, तो बी आपका है माइनस वन टू वन, ए ट्रांसपोज है वन वन माइनस फोर थ्री। तो देखिए कैसे गुणा करते हैं, यहां से देखिए, पहला रो को पहला कॉलम से गुणा करेंगे और पहले रो में लिखेंगे, पहला रो को दूसरा कॉलम से तो प्लस चार, पहला रो को तीसरा कॉलम से तो माइनस थ्री। अब दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे और दूसरा रो में लिखेंगे, तो दो को एक से गुना करेंगे टू, टू को माइनस फोर से गुना करेंगे माइनस एट, टू को थ्री से गुना करेंगे सिक्स। अब तीसरा रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे और तीसरा रो में लिखेंगे, तो वन माइनस फोर और ये माइनस थ्री। अब देखिए क्या एलएचएस बराबर आरएचएस है, तो देखिए माइनस वन फोर माइनस थ्री, माइनस वन फोर माइनस थ्री, टू माइनस एट सिक्स, टू माइनस एट सिक्स, वन माइनस फोर थ्री, वन माइनस फोर थ्री। तो एलएचएस बराबर क्या है, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ये क्वेश्चन फाइव का वन हुआ है,
जिसके लिए ए का वैल्यू अलग है, मैट्रिक्स बी का वैल्यू अलग है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग क्वेश्चंस 5 का 2 करेंगे। अब 5 का 2 के लिए मैट्रिक्स ए का अलग वैल्यू है, ए ध्यान से देखिए 0 1 2, देन बी मैट्रिक्स आपको दे रखा है 1 5 7, फिर आपको मैट्रिक्स ए गुना मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ध्यान से देखिए, रो को पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। इसी प्रकार मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो पहला रो को पहला कॉलम 1 5 7, ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग 1 है ये, अब हम लोग मैट्रिक्स ए गुना बी पहले निकालेंगे। ए मैट्रिक्स ए गुना मैट्रिक्स बी 0 1 2, मैट्रिक्स बी 1 5 7। किस प्रकार गुना करते हैं? पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे और पहला रो में लिखेंगे। तो 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0। ध्यान से देखिए, पहला रो दूसरा कॉलम ये 0, पहला रो तीसरा कॉलम 0, दूसरा रो पहला कॉलम से गुना करेंगे और दूसरे रो में लिखेंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 को 5 से गुना करेंगे 5, 1 को 7 से गुना करेंगे 7। अब तीसरा रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे और तीसरे रो में लिखेंगे, तो 2 को 1 से गुना किया 2, 2 को 5 से गुना किया 10, 2 को 7 से गुना किया 14। अब एलएचएस निकाल, मैट्रिक्स ए गुना मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए गुना बी 0 0 0 1 5 7 2 10 14, और इसका ट्रांसपोज। तो बस चेंज करेंगे, रो को कॉलम कर देते हैं। तो पहला रो तो पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में चेंज करेंगे, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में, ठीक। अब हम लोग आरएचएस निकालेंगे। तो आरएचएस में है बी का ट्रांसपोज गुना ए का ट्रांसपोज। तो हमने बी ट्रांसपोज निकाल के रखा है 1 5 7, ए ट्रांसपोज भी निकाला 0 1। अब गुना कर देंगे तो पहला रो को पहला कॉलम से तो 0, अब पहला रो में लिखेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 को 2 से गुना करेंगे 2, दूसरा रो पहला कॉलम 0, दूसरा रो में लिखेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम 5,
फाइव को टू से गुना करेंगे दस, सात को जीरो से गुना करेंगे जीरो, सात को वन से गुना करेंगे तो सेवन, सात को दो से गुना करेंगे तो चौदह। तो देखिए एल एच एस बराबर आर एच एस है, तो हम कह देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। अब हम लोग क्वेश्चन सिक्स करेंगे और यहीं पर समाप्त करेंगे। देखिए सिक्स में दो क्वेश्चन है, तो सिक्स का वन में एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, तो सत्यापित करना है कि ए का ट्रांसपोज गुना मैट्रिक्स ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें होगा मिलेगा। तो चलिए ए दे रखा है, बहुत ही आसान है, इसके एलिमेंट है कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। देखिए क्वेश्चन सिक्स का वन में, सिक्स का वन में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आप पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालिए, तो पहला रो को पहला कॉलम में, तो कॉस अल्फा साइन, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, अब हम लोग एलएचएस निकालेंगे, तो क्या है ए का ट्रांसपोज गुना ए, तो ए का ट्रांसपोज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और मैट्रिक्स ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो गुना करेंगे, यहां से देखिए पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, संगत एलिमेंट को गुना करके ऐड करते हैं, तो पहला रो ध्यान से देखिए पहला कॉलम में संगत अवयव को गुना करके ऐड करेंगे, तो कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस, यहां से देखिए ओके ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ, तो कॉस इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब दूसरा रो को पहला कॉलम से संगत एलिमेंट को गुना करके दूसरा रो लिखेंगे, तो साइन इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ध्यान से देखिए है ना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, दूसरा रो दूसरा कॉलम तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा वन होगा, देखिए ध्यान से कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा एक ही चीज है,
ये आपको जीरो हो जाएंगे, ये भी आपके जीरो हो जाएंगे और ये आपके वन हो जाएंगे। बराबर क्या गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर एच एस प्रूफ। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, अब क्वेश्चन सिक्स का टू करेंगे। सिक्स का टू के लिए मैट्रिक्स ए दे रखा है, क्या है? साइन अल्फा, कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा। तो पहले हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो पहला रो को पहला कॉलम है साइन अल्फा कॉस अल्फा, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, अब हम एलएचएस निकालेंगे। तो एलएचएस में निकालना है ए का ट्रांसपोज गुना ए, तो ए का ट्रांसपोज साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा गुना मैट्रिक्स ए साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब गुना करेंगे, ध्यान से पहला रो को पहला कॉलम के संगत अव्यव से गुना करके पहला रो में लिखेंगे। तो साइन इंटू साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा गुना माइनस कॉस अल्फा, तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। पहला रो को दूसरा, तो साइन इंटू कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। दूसरा रो पहला कॉलम, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ध्यान से दूसरा रो दूसरा कॉलम, कॉस अल्फा गुना कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये आपका वन हो जाएगा। देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो जीरो। ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका वन। बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है आरएचएस। तो आप इसे तेजी से स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम आपको आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म के बारे में थोड़ा बता देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, मतलब आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। ध्यान से देखिए, पहला मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी का जो ट्रांसपोज होगा, ए का ट्रांसपोज
प्लस बी का ट्रांसपोज। के गुना मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज होगा, मतलब मैट्रिक्स ए को के से गुना कर देंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो के इंटू मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। देन तीसरा, मैट्रिक्स ए गुना मैट्रिक्स बी का जो ट्रांसपोज होगा, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज गुना मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। चौथा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो मैट्रिक्स ए होगा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए निकलेगा। पांचवा, ध्यान से देखिए, ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, जैसा कि हमने क्वेश्चन 3 में आपको बताया है। तो ये गुणधर्म आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में ऑप्शनल वाले भी आ जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों भी बताइए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना आप लोग नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।